गाइस, इस ट्री में बहुत सारी एलईडी लाइट्स लगा रखी है जिससे इसका व्यू काफ़ी अच्छा है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इन एलईडी लाइट्स लगाने के बाद इस ट्री की जो ब्यूटी है गाइस वो और भी निखर चुकी है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसके बाद जो इसका व्यू है गाइस काफ़ी औसम है। एंड ये देखिए गेयटी थिएटर, इसमें भी छत पे गाइस रेड कलर की लाइट्स लगा रखी है जिससे इसका व्यू भी बहुत ही अमेजिंग है। तो गाइस ये है आशियाना होटल एंड इसका व्यू भी बहुत ही अच्छा है गाइस। अगर आप नाइट में यहाँ पर आते हो तो कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है गाइस, एंड कुछ इस तरह की लाइट्स यहाँ पर जली होती है। गाइस ये है गेयटी थिएटर, इसमें भी छत पे बहुत सारी लाइट्स लगा रखी है रेड कलर की एंड इसका व्यू भी काफ़ी अमेजिंग है गाइस। गाइस दिसंबर का महीना है एंड यहाँ पर ठंड भी बहुत हद तक बढ़ चुकी है एंड यहाँ पर कभी भी बर्फबारी हो सकती है गाइस। तो ये है टाउन हॉल जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है गाइस। तो फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। गाइस आप भी मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड मैं भी आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगा और शिमला के मैक्सिमम व्यू आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गाइस। और यह है टाउन हॉल का एक प्यारा सा व्यू, डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो गाइस चलते हैं यहाँ से आगे की ओर और अंधेरा भी बहुत हद तक बढ़ चुका है गाइस एंड यहाँ पर ठंड भी बहुत हद तक बढ़ चुकी है एंड ये है यहाँ के ट्रीज जो देखने में बहुत ही सुंदर है गाइस। तो फिलहाल अभी चलते हैं स्कैंडल पॉइंट की ओर। इस स्कैंडल पॉइंट पे आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है एंड यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप्स है। तो ये है स्कैंडल पॉइंट एंड यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप्स है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो शॉप थी केक्स एंड पेस्ट्रीज क्लोथ्स एंड क्लोथ्स सोनी शॉप और भी बहुत सारी शॉप्स है गाइस, जहाँ पर आप अपने मनपसंद चीज़ें ले सकते हो और मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है गाइस। ये देखिए मेंस क्लोथ्स, ये है टाइपिंग स्कूल, यहाँ पर आप टाइपिंग कोर्स कर सकते हो एंड साथ ही स्टेनो का कोर्स भी कर सकते हो गाइस। तो फिलहाल अभी चलते हैं लोअर बाजार की ओर बिकॉज मुझे जाना है संजौली सिमेट्री एंड अंधेरा होने के साथ साथ टाइम भी बहुत हद तक बढ़ चुका है गाइस। और मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।